हिंसातना। प्रातिपत्म हिंसा पहला व्रत है ना, तो उसका है कि धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, कि वो मुनि मुनि जन बहुत धन्य है जो बिल्कुल कभी हिंसा नहीं करते हैं। पांच है ना, पृथ्वी पानी अब साधु हिंसा नहीं करता है, साधु ने पानी की करता है, अग्नि की करता नहीं करता है ना किसी भी, वो तो बहुत अच्छी तरह से महाव्रत पालन कर रहे हैं। सारी हिंसा को त्याग करके जी रहे संभाव से, वो संभाव से जी रहे हैं। है महाव्रत साध्य मेरा, मेरा साध्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, साधु बनना। श्रावक के तीन मनोरथ है ना, कब मैं अल्प परिग्रह बहु परिग्रह का त्याग करूंगा, पहला मनोरथ। दूसरा मनोरथ, कब मैं इस संसार को छोड़कर मुनि बनूंगा। और तीसरा मनोरथ, कब मैं अंतिम संलेखना को लूंगा। ये तीन मनोरथ रोज रात को सोते समय करने के होते हैं, भगवान महावीर ने बताए हैं। कब मैं परिग्रह को छोड़ूंगा, कब मैं मुनि बनूंगा, और कब मैं अनशन संलेखना स्वीकार करूंगा। तो महाव्रत मेरा साध्य है किंतु वह दुस्साध्य है, किंतु मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं अभी महाव्रत धारण नहीं कर सकता। पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसर, लेकिन अनुव्रत का मार्ग सरल है, अच्छी तरह पालन करने योग्य, तो मैं अनुव्रत को पालन कर रहा हूँ। सत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ। सत्व माने अपनी रक्षा के लिए, बाई चांस आपके घर कोई टेररिस्ट आ गया किसी भी घर, तो मैं अपनी रक्षा के लिए उसको यदि मुझे मारना है करना है, तो आप व्यस्त कर सकते हैं। अचानक सिंह मिल गया आपको, तो आप अपनी रक्षा के लिए, ये होती है विरोध जय, आने आपने अपनी रक्षा के लिए एक गृहस्थ को कॉकरोच आ गया आप लोग, एक गृहस्थ तो क्या करेगा, कॉकरोच को मारे मारे नहीं पर बाहर तो निकालेगा ना, हिंसा तो होगी उसको पकड़ने में। तो सत्व रक्षा, अपनी रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ। बाई चांस देश में किसी ने शत्रु पक्ष ने हमला कर दिया, तो हम ये थोड़ी कहेंगे हम तो अहिंसक, ऐसा नहीं। देश की, हम जिस देश में रहते हैं यदि उसके लिए हमको कुछ करना है, तो भी वो अहिंसा का पालन। आने एक और सेनापति कीड़ी को भी नहीं मारता, उसकी प्रतिक्रमण कर रहा था, तो राजा को शिकायत करी, ये सेनापति क्या है, एक कीड़ी को भी मारने की आलोचना कर रहा है। लेकिन राजा ने देखा, जब युद्ध में खूब अच्छी तरह युद्ध किया, तब उसने कहा कि मैं अनावश्यक निरपराध की हिंसा नहीं करता हूँ, लेकिन जो जरूरत है उसकी मुझे करनी पड़ेगी। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है। एक गृहस्थ व्यक्ति शरीर को धारण करता है तो उसको आरंभ माने हिंसा जरूरी है। अब आप खाना बनाते हैं, हिंसा है, सब कुछ चीज किसी भी चीज में हिंसा तो होती है ना, लेकिन उसमें ध्यान रख सकते हैं। अब बहने बातें करती, यहाँ तो बातें किससे करें, मैं सोचती हूँ बहनों को बात करने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बातें करते जाओ और भिंडी काटते जाओ तो एक लट कट गई तो क्या पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। और एक सही घटना, एक घर में उसके पति और बेटे दोनों की डेथ हो गई। डॉक्टर आए, सब ने देखा, अरे भाई अचानक कैसे हुआ, सब चीज देखा, सुबह से क्या खाया। लास्ट में डॉक्टर ने कहा, मुझे ये बताओ आज क्या क्या चीज खाई, क्योंकि इनके शरीर में जहर चढ़ा है। पता चला कि वो पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, उसमें बहन बातें कर रही थी या टीवी देख रही थी, उसमें एक छोटा सा हरे रंग का जहरीला सांप था, वो कट गया। बिल्कुल पतला पतला होता है ना, बिना प्रतिलेखना केवल साधु के लिए नहीं होती है, गृहस्थ के लिए भी होती है। यदि आप नहीं देखेंगे, जीव पड़ जाएंगे तो क्या होगा, हिंसा हो जाएगी। तो देहधारी हूँ आरंभ अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य। लेकिन संकल्प जा हिंसा नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में एक व्यक्ति ने कहा मुझे गिनीज बुक में नाम लिखाना है, और एक दिन में उसने 17 किलो मक्खी मारी, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के 17 किलो। ऐसी संकल्प जा हिंसा एक श्रावक नहीं करेगा, ठीक है ना। पहला आपसे तो चलो प्रतिबंध।